नमस्कार, मैं आप लोग सबको स्वागत करते हूँ मेरा YouTube चैनल एनिमल्स एंड पेट्स विद पार्थव। आज का जो हम एपिसोड आपके सामने ला रहा हूँ ये है गौ का पेपर। हर आदमी का पास जो कुत्ता पालते हैं उसका सामने एक ठो ये है। आज ज्यादातर आदमी जान गया कि पेपर एक ठो जो यहाँ पर इंडिया में चालू है ज्यादातर ये एक फॉल्स पेपर है, क्योंकि ये आप लोग जानते हैं कि जो मेन जो जगह से पेपर बनता है वहाँ कुछ आदमी इसको कब्जा करके रखा है, एक सिंडिकेट और उसका चमचा। ये लोग करता है कि एक ठो चिप और चिप बने एक ठो सिरिंज, जो सिरिंज आपको हम अभी वीडियो में दिखा रहे हैं, ये चिप जो है सिरिंज का अंदर एक ठो छोटा सा चावल का माफी एक ठो चिप मिलता है, वो एक ठो नंबर रहता है उसमें, एक तो पांच से 10,000 रुपया का एक तो स्कैनर देके वो अगर चेक किया जाए तो एक तो नंबर आएगा, वो नंबर एक तो कागज में लगा के ये लोग बेच रहा है। और कितना इसका कीमत है इसको घुमा फिरा के इसको करीब 1,500-2,000 उससे भी ज्यादा में ये बिक्री होता है। फिर जो है वो तो ये तो कंपनी का रेट है, उसका बाद बाहर में इसका अमचा चमचा इसको ब्लैक मार्केट करता है, इसका भी बहुत डबल होता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये चिप का जो ये है, आप किसी या कोई भी कुत्ता को ये चिप दे दीजिए वो नंबर वाला, और उसका जो कागज है वो बोलेगा ये कुत्ता ए का कागज यही है, बस हो गया। आदमी सोचता है अरे ये तो बहुत एक तो विदेशी चीज है, यहाँ पर एक नंबर लगा दिया है, वो नंबर के साथ कागज का मिलता है, तो इसमें तो आदमी का कोई शक नहीं होगा। ऐसे कि आप एक तो गाड़ी लिया, वो ऑर्डिनरी गाड़ी है, उसको चेसिस का अंदर एक तो नंबर जो रहता है चैसिस नंबर अब पलटी कर दिया, वहां पर एक तो फरारी का चैसिस नंबर लगा दिया, बोला अरे तो अभी चैसिस नंबर चेंज हो गया, मैंने फरारी गाड़ी हो गया, ये तो हो नहीं सकता। तो ये हिसाब से ये लोग जो है ये चिप को मार्केट करके करोड़ों करोड़ों रुपया का कमाई किया है। और ये इतना मैंने बहुत ही शर्मनाक है कि भारत का डॉग का कागज का विदेश में कोई कदर नहीं है, इतना इसका रेपुटेशन खराब हो गया है। और आप लोग को जानना चाहिए ये पहले है कि कुत्ता जो आप खरीद रहे हैं, अगर आप डॉग शो के लिए भी लिए हैं तो कागज का डॉग शो में कोई वैल्यू नहीं रहता है। डॉग शो में एक डॉग जो जाता है वो डॉग सिर्फ और सिर्फ उस माने जज विचार करता है जो डॉग रिंग में आया है, उसका साथ क्या कागज है कि नहीं है वो उसका विचार में नहीं आता है। डॉग अगर सुपर क्लास हो तो उसका कागज जरूर अच्छा होगा, ये आप जान जाइए। मगर आप और एक ऑर्डिनरी कुत्ता को लाके उसका ऊपर अगर वर्ल्ड चैंपियन इंटरनेशनल चैंपियन और फलाना चैंपियन लगा देंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो वो हंसी का खुराक है। तो आजकल क्या करता है आदमी लोग, बात है कि कुत्ता का साथ वो लोग जज को पैसा देता है। ये सब जज और डॉग शो का जो ऑर्गेनाइजर और ये सब जो है वो सिंडिकेट जो है ये सब बंदोबस्त कर दिया है, उसका चमचा उमचा मिलके पूरा डॉग शो को पूरा चोरी का जगह बना दिया है। और आदमी एक आता है डॉग कुत्ता लेके आता है, पहले आता है बातचीत करता है ये कितना पैसा देने होगा, उसका बाद कुत्ता लेके प्लेन में अमचा चमचा लेके वो लोग कलकत्ता से नहीं तो दिल्ली से मुंबई से प्लेन से जाता है, लाखों लाखों रुपया खर्च करके ये जान के कि हम वहाँ जाके जरूर जीतेंगे, क्योंकि वहाँ सब पैसा देके सेटिंग किया हुआ है। ये सब कोई जानता है, कोई लाखों लाखों रुपया खर्च करके इसे जाएगा कि वहाँ पर जाएंगे और एक तो कुत्ता का पास हार के हम सब लेके फिर लाखों लाखों खर्चा करके हम चले आएंगे, ये नहीं होता। तो ये 20 साल से सब का अभ्यास है, ये सब जब लाखों रुपया खर्चा करके कोई प्लेन से आता है और सब इन लोग का अमचा चमचा लेके 10-12 आदमी जो ताली मारने वाला और जो कुत्ता सब का नहाने वाला और ये सब करने वाला जो आदमी लेके आता है ये सब पूरा सेटिंग करके ही आता है। तो ये जो डॉग शो का हालत बनाया है इसके लिए ये सिंडिकेट और इसका चमचा लोग पूरा ये है, इसीलिए सब चीज कोर्ट में है, केस भी चल रहा है। और ये डॉग गेम को ठीक करना एकदम ही जरूरी है।
कुछ और क्लब है जो अच्छा से डॉग्स को चलाता है, जैसे इंडियन नेशनल केनल क्लब, मगर बॉम्बे में और आसपास में अहमदाबाद में छोटा करके उन लोग का चलता है। आगे कलकत्ता में भी बहुत सुंदर डॉग शो होता था, अभी बंद हो गया, मगर वो उन लोग भी करते हैं। मगर फिर जो है पंजाब में भी चालू हुआ। मगर इन सोचने होगा, इंडिया एक तो वास्ट कंट्री है, वहाँ यहाँ पर 28 तो स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी, सब मिलकर 36, तो ये एक यूरोप में 36 देशों से बड़ा है। इतना आदमी है 36, क्या उससे ज्यादा देश एक साथ लीजिएगा तो उससे ज्यादा आदमी है यहाँ। तो ये देश में आपका इतना दो चार आदमी खाली आदमी को लूटेगा, ये सब दिन के लिए कोई मानेगा नहीं। इसीलिए हम लोग का डॉग गेम का हालत इतना खराब हो गया, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। जो लोग चाहता है कि कहां से हम लोग मोच के खाली पैसा बना ले, इस कारण हम बोलते हैं आप लोग सब यूनाइट होइए। डॉग गेम का जितना क्लब्स है सबको एक का साथ एक का इंटरेक्शन होना चाहिए और डॉग गेम को आगे बढ़ावा देना चाहिए। और जो है ये जो चिटिंगबाजी है कागज का, इसको बंद करना एकदम जरूरी है, क्योंकि ये कागज जो हिसाब से आप मेरा पास तो हजार बने दर्जन दर्जन ऐसे कागज और इसका चिप पड़ा हुआ है, मगर हम अगर बेचते तो बहुत पैसा मिलता, मगर हम तो इसको बेच नहीं सकते। अरे लेने वाला लेता ही नहीं है कभी। अगर कोई आगे जब हम कुत्ता उत्ता ब्रीड करते थे देते थे तो उसका बाद जो कागज आता था तो वो लोग एड्रेस भी नहीं भेजेगा कि हमको हम कुरियर से भी भेज दे, कुछ जरूरत ही नहीं है। तो ये हालत है, ये है जहां पर ये लोग बेचता है वहां देने से तुरंत बिक्री हो जाएगा, क्योंकि आदमी सोचता है कि हम कागज खरीद लिए माने वो बस हो गया, मेरा डॉग एकदम वो सुपर क्लास हो गया, ऐसे थोड़ी कोई हो जाता है। हाँ, तो ये आप लोग को सबको समझना है। और एक चीज है कि कागज का जो मसला है और इसमें जो आपका जो सिस्टम से होता है, इसको यूनिफॉर्मिटी लाना है, सब क्लब मिल के ये करना है। और ये जो स्टेट्स है, ये हर स्टेट में रजिस्टर्ड क्लब्स होना चाहिए, जो क्लब्स जो है रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाएगा और वहाँ से एक तो सेंट्रल बॉडी होगा, तभी ये इतना बड़ा कंट्री जो है ये यहाँ पर डॉग गेम चल सकता है। इसे हर कोई एनिमल्स का ऊपर ही इसका एक तो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जैसे कि हॉर्स का हो गया, फिर जो कैट्स का हो गया, अभी विदेशी बिल्ली भी बहुत आदमी पालते हैं। अभी जितना जितना जैसे दिन जा रहा है, आदमी का जैसे तरक्की हो रहा है, वो लोग जैसे पैसे बना रहे हैं और इनलाइटेंड होते हैं, तो उन लोग का शौक भी बढ़ते जाता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में सब शौक करने मांगता है, तो वो एट पार हम लोग को लाना है। तो ये सोच के हम लोग आगे जरूर सोचे और सबको लेके सोचे, क्योंकि ये नहीं कि हम वो क्लब में कुत्ता लेके जाइएगा तो आपका कुत्ता का हम कागज ले रहे, पैसा ले रहा है कागज दे रहा है, जिसका वैल्यू 4 रुपया था कानून में जब कागज देता था, उसको अभी 2000 रुपया में बेच रहा है तुम लोग, उससे भी ज्यादा सब आदमी बेच रहा है, और ये लेके सब मौज मस्ती कर रहे हो तो उसका ऊपर भी तुम लोग को इतना सब बोलने का है। और एक तो चीज है कि ये जो आपका कागज जो बनता है, ये कागज आपका माने आप सोचिए कि इसका साथ जो एक तो मैगजीन दे रहा है, मैगजीन का खर्चा 1000, माने वो कागज का ही एक तो है, वो इंग्लिश में लिखा रहता है। तो इंडिया तो बहुत भाषा का देश है, वो जो आदमी चाहता है वो भाषा, एक एक स्टेट में एक एक अलग अलग भाषा है, कोई तमिल बोलता है तो कोई तेलुगु बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, मगर ज्यादातर आदमी हिंदी बोलता है। जब यहाँ पर एक तो नेशनल लैंग्वेज ही आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है, बोलता है कि नहीं हम लोग तमिल है, हम लोग बंगाली है, हम लोग ये है, तो यहाँ पर कैसे एक तो इंग्लिश मैगजीन जबरदस्ती, जो इंग्लिश जानता नहीं कभी पढ़ा नहीं है, वो ले रहा है कि हम लोग माने जबरदस्ती दिया जा रहा है कि ये भी 1000 रुपया में लीजिए, नहीं तो कागज नहीं दिया जाएगा। तो ये तो गैर कानूनी है, इसके लिए तो कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि उसका तो कोई वैल्यू नहीं है, जो आदमी इंग्लिश जानता ही नहीं है जो तो उसके लिए एक तो इंग्लिश मैगजीन का क्या दाम है, और वो मैगजीन में खाली दुनिया भर का आलतू फालतू चीज छापा हुआ है, बाहर बाहर का आदमी लोग का, तो उसमें क्या वैल्यू आता है। ये यहाँ का
डॉग गेम को बढ़ाने के लिए उसका ऊपर कोई मैसेज जो एक्चुअली होना चाहिए, जो सब कुत्ता का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उस सब रजिस्ट्रेशन का डिटेल जहाँ जहाँ जो लोग जजिंग जज कर रहे हैं उसको जो रिपोर्ट देते हैं, हर कुत्ता काय हारा काय जीता, ये जब जो आज लिखा रहता था, ये पढ़ के आदमी सीखता था, ये सब तो कुछ नहीं है। खाली वो जो आदमी लोग से वो बेनिफिट मिलना है कि हाँ पैसा देगा, नहीं तो आगे एडवर्टाइजमेंट का हिसाब से पैसा देगा, और नहीं तो कुछ गिफ्ट देगा, ये लाभ का एक आदमी को ऊपर छोड़ दिया गया है, वो जो चाह रहा है जिसको चाह रहा है उसको छापेगा और पैसा कमाएगा। इसे तो बहुत ही एक तो खराब सिचुएशन में है, इसको ठीक करना जरूरी है। और ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ कोई किसी का ताबेदारी कोई सुनेगा नहीं, और कोई डिक्टेटरशिप और कोई अपना हिसाब से काम कर लेगा कोई मानने वाला नहीं है। और यहाँ पर हर किसी का अधिकार है कि यहाँ पर काम क्लब चालू करे, डॉग शो करे, और इंडिया में ये इंडियन डॉग गेम है, यहाँ का डॉग गेम को हम लोग को बनाना है, हम लोग अच्छा अच्छा आदमी को ट्रेन करना है, अच्छा जजेस लोग को बढ़िया कोर्स देना है, बढ़िया से सिखाना है, परीक्षा लेना है, उन लोग को जज बनाना है, तभी जो है डॉग गेम आगे तरक्की कर सकता है। वो लोग बढ़िया से विचार करेगा, जो ऑनेस्टी का साथ करेगा, तभी यहाँ का क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में होगा। और नहीं तो हम लोग खाली इम्पोर्ट करते ही रहेंगे और वो वही सब कुत्ता को फॉरेन से आके जज लोग जिताएंगे, और यहाँ का जो आप लाखों 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख से जो कुत्ता ला रहे हैं उसका जो उससे जो ब्रीडिंग हो रहा है उसको कोई लेने वाला नहीं मिलता है बाजार में, वो लोग क्योंकि वो क्वालिटी यहाँ खराब हो जाता है। पहले तो कागज बर्बाद कर दिया जाता है, क्योंकि वो जो फॉरेन वाला कुत्ता है वो लाने से फायदा है, क्योंकि जो लाखों 10 लाख 20 लाख खर्चा करेगा वही ना 2-4 लाख घुस देगा, जो यहाँ पर 20,000 रुपया में कुत्ता करके शॉप करेगा और डॉग शो में जाएगा वो थोड़ी घुस दे के कुत्ता जिताने सकेगा, क्योंकि यहाँ तो लाखों का खेल है ना। तो ये सब आप लोग माथा में रखिए, और कभी आप लोग सोचिए कि कैसे क्या जरूर कोई उपाय होगा, हम लोग ये इंडियन डॉग गेम को नया से बिल्डअप करेंगे। और आज हम बाकी फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम आएंगे आपके साथ बात करने। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को दबाइएगा, जैसे कि आप लोग को इंटीमेशन मिल जाए कि मेरा जैसे जैसे अपलोड होते रहेगा आप लोग को उसका खबर मिलते रहेगा, और लाइक एंड शेयर कीजिएगा। नमस्कार, फिर जल्दी हम लौटेंगे एपिसोड लेके, इंग्लिश में, बंगाली में और हिंदी में। गुड बाय।